ये खेत अपने तैयार है जी फली की बिजाई ली। इधर बिजाई जी मैनुअली हत्था ना हो रही है, आप मशीन के नाल भी सोइंग कर सकते हैं, पर वो थोड़ी जी सू समस्या आती है। एक तो बीज है जो बहुत ज़्यादा लगता, तो एक किसी वेल पोर बंद रहने कारण जी खेल खाली रह जाए। तो करीब 2 से 2.5 इंच से असी जो एक दाणा यदा बिजाई कर रहे हैं। दोस्तों बीन की बिजाई अपनी शुरू है जी, खेत तैयार है। खेत तैयार करने तो पहला आप जी कि चीज़ा वरतियाँ वे बारे में तुम थोड़ी जी जानकारी देता। सीड ट्रीटमेंट किमें करना है जी, बीन किमें लगानी है, पानी देने तक इस तो बाद किमें संभाल करनी, सारी जानकारी तुम्हें इस वीडियो मिल जूगी जी। वीडियो में पूरा देखिए तो वो शेयर जरूर करो। तो हूँ देखो जी, खेत तैयार करने तो पहले असी सुपर की वरतों की है जी, क्योंकि सुपर च फॉस्फेट के नाल सानू होर भी 2-3 तत् मिल जाते हैं जिहड़े कि साढ़े फंगस वगैरह में कवर कर मदद करते हैं। उसकी वरतों असी कुछ दिन पहला कर ली सी, जिहदे नाल जिहड़ा साडा खेत है तो वह इस पूरी तरह घुल मिल जाऊगी। तो पोटाश की असी वरतों की है जी नाल खेत की तैयारी करने वाले। तो हूँ असी सीड ट्रीट करना है जी, सब तो पहला खेत की रौनी जी 1-2 बार तुम कर लो तो बहुत वधिया जी। 1-2 गल्लां का ध्यान आप रखना, वो मैं तुम्हें पहला क्लीयर करता कि वेखो जी, जे तुहाडियां वेलां वाली फसल है जी लगाई है इस तो पहला, तो उस दे विच तुसीं बीन या मटर लगाउण दी जिहड़ी कोशिश ना करो, उहनूं अवॉयड किया जाए। क्योंकि इस मैं पिछले 1-2 वार तो देखिया कि बहुत ज़्यादा समस्या सानूं आउंदियां ने जदों असीं वेलां वालियां फसलों तो बाद असीं बीन दी या मटरां दी बिजाई करदे हां, तां जिहड़े बूटे आ जी उहनां डंपिंग ऑफ डाईबैक दी समस्या आ जांदी है, उहनां नूं फल घट लगदा है जी, वो पूरी ग्रोथ नहीं करदे। तो ये सारियां ये गल्लां तुसीं जरूरी है जी ध्यान रखण योग गल्लां। तो इस तो बाद मैं तुहानूं सीड किवें ट्रीट करना जी वो भी नाल नाल दसूंगा, तो उस तो बाद लगाउणा किवें है जी वो सारी वीडियो तुहानूं जिहड़ी इस वीडियो पूरी जानकारी मिल जूगी। दोस्तों बीज नूं जिहड़ा ट्रीट करन दा अपना जिहड़ा काम है जी वो चल गया जी। ये तुसीं देख लो बीज आपां इह जिन्ना जिन्ना बीज आपां सोधना है जी सिर्फ उन्ने ही लगाउणा है, उन्ने ही बीज नूं आपां दवाई लाउणी है जी। दवाई ला के आपां जिहड़ा बीज है इसनूं स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि यदा ये जो बीज है जी एक बार इनू दवाई ज लग गई तो इसने जो जर्मीनेट होना जो शुरू हो जाना जी। इतने आप कैमिकल ट्रीटमेंट करांगे। हुण जिवें मेरा ये मेरा कैमिकल वाला खेत है जी, जे तो मैं लाउणा तो इस करके मैं कैमिकल तरीके ट्रीटमेंट कर रहा, जे तुहाडा खेत बायोलॉजिकल वाला तो तुसीं बायोलॉजिकल तरीके जो बीज में सोधना। तो दवाइया मैं तुहानूं थोड़ियां जी पहलां दिखा दिंदा जी, एथामैक्सम है जी, तो ये अपनी कार्बन डाइजम है। कंपनी भीरे तुसीं जिहड़ी मर्जी चूज़ कर सकते हो जी, कंपनी दा इच कोई लेना देना है नहीं। तो ता मैक्सिमम कुछ इस तरह की दिखती है, तो ये आपां 2 ग्राम लैनी हुंदी है जी पर किलो बीज दे हिसाब दे नाल। तो कार्बन डाइजम भी आपां 2 ग्राम लैनी है जी, 2 ग्राम दोवें दवाइयां 2-2 ग्राम दे हिसाब दे नाल लैनी है जी पर किलो बीज दे पिछे जी। बीज नूं दवाई लाउण तों इंस्टेंट बाद जिहड़े अपने हत्थ है जी वह साफ करने बिल्कुल नहीं भुलने, हत्थ साफ करने जिहड़े बिल्कुल जरूरी है, चंगी तरह तुसीं हत्थ है जिहड़े साबण दे नाल धोणे हैं, क्योंकि थोड़ियां जिहियां दवाइयां जहरीलियां हुंदियां। तां जिवें अपने नौहां दे विच इत्थे जिहड़े छोटे छोटे जख्म टाइप होए हुंदे आ उहदे नाल इह दवाई तुहानूं रिएक्शन कर सकती है, ते तुसीं दस्तानिआं दी वरतों भी कर सकते हो। बीज नूं सोधण तों बाद जी आपां इसनूं छावें जिहड़ा खिलार देणा है जी, इस तो बाद आपां इहनूं चंगी तरह खिलार देना जी। चंगी तरह जिहड़ा बीज है जी आपां खिलार दित्ता है, तुसीं बीज देख लो थोड़ा ध्यान दे नाल, ऐ इस नूं पूरी तरह जिहड़ी दवाई आ लग चुकी है जी। तो इस नूं इत्थे आपां सुकण देना जी, इस सुकण तो बाद इहदी बिजाई किवें करनी है जी मैं तुहानूं अगे दिखाउणा। तां इधर बिजाई जिहड़ी मैनुअली हत्थां नाल हो रही है, आपां मशीन दे नाल भी इहदी सोइंग कर सकते हैं, पर उहदे नाल थोड़ी जी सानूं समस्या आउंदी है। एक तां बीज है जिहड़ा बहुत ज़्यादा लगता, तो एक किसी वेल पोर बंद रहने कारण जिहड़ियां खेलां खाली रह जांदियां। तां करीब 2 से 2.5 इंच से असी जिहड़ा एक दाणा इहदा बिजाई कर रहे हैं, एक क्लाउज वरायटी है जी, इस तरीके दे नाल इहदी बिजाई करनी है जी। खेलां दे उपर जां जे तुसीं घर च लगाउणी है तां थोड़े जे 1.5 फुट चौड़े बैड बना के तुसीं लगा सकदे हो जी। खेलां जिहड़ियां जी उह तुसीं खेत नूं चंगी तरह तैयार करन तों बाद रौनी करके ते खेलां जिहड़ियां बणाउणियां जी मटरां वाली मशीन दी जां आलू वाली मशीन दे नाल बना सकदे हो। तां इस दे संबंध च इक होर वीडियो 1-2 दिन च आ जाणी है जी, जिहड़ी इस तों पहलां अगेती बिजाई कीती सी। अज जिहड़ी 15 तरीक है जी, 15/9/2020, तो इस तो पहला जी बिजाई की करीब 1 तरीक में की उस काफ़ी जो समस्या आ रही जी। इस तो बाद वीडियो तुम्हें पा दूंगा कि किस तरह की समस्या आ रही, कि तरीके आप हल करना है जी। तो हूँ आप गल करते हैं, अज भी हाले भी यदा एग्जैक्ट राइट टाइम है जोड़ा वो
8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਮੈਥਾਲੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀ ਸਪਰੇਅ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ 200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਦੀਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਬੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਇਸਚਰ ਨਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਖੇੜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 3 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ 4 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇੜ ਹੈ ਕਰੀਬ 9 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।